ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। तो ऐसे तिलक नगर में जब बाबा गए यहाँ से, तो बाबा की तो विदाई हो रही थी बड़े अच्छे से, और हम देख रहे थे। और जो बड़ी दादियाँ, जैसे हमारे आत्मोनी दादी थी, तो वहाँ ही थी तिलक नगर में। तो बाबा का सामान, बाबा के साथ जाने वालों का सामान सब पहले से रेलवे स्टेशन पे गया, कुछ बुकिंग होनी है, कुछ चढ़ाना है, और मेरा तो कुछ नहीं, छोटा सा बैग, चार कपड़े का, ज़्यादा था ही नहीं। तो मुझे क्या बताओ, आत्मोनी दादी के कमरे में रखा था। जब सब चले गए तो मैं बाहर, वो भी जैसे देख रही हूँ, तो दीदी कहती है, तुम यहाँ घूम रही हो, सब चले गए, तुम क्यों नहीं गई? हमने कहा, हमको किसी ने कहा ही नहीं। कहा दिल्ली जाना है बाबा के साथ, पता है? तो हमने कहा, हमारा तो सामान जो है वो आत्मोनि दादी के कमरे में है। कहा अच्छा, चलो चलो, छोड़ो सामान, चलो बैठो मेरे साथ कार में, बाबा के साथ, दीदी के साथ कार में बैठ गए, कोई था ही नहीं ले जाने वाला। सामान यहाँ है, हम चल पड़े। मस्त फकीर दीदी ने कहा, चलो सामान की छोड़ो तुम चिंता। स्टेशन पर गए, सबको अलग अलग बिठा दिया गया, बाबा का फर्स्ट में था। फिर हम लोग सब बैठे गए, तो अब कपड़ा कहाँ? तो बाबा ने कहा, कैसे इतना नहीं याद है, तो ये लता बहन के पिताजी थे ना, रोहतास भाई, तो उसको बाबा ने कहा शायद, या दीदी ने कहा कि रोहतास तुम सवेरे इसका कपड़ा लेके दिल्ली पहुंच जाना। तो रोहतास भाई दूसरी ट्रेन से हमारा कपड़ा लेके पहुंचे दिल्ली, पहुंचाने वाले वो। और वहां जब हम पहुंचे हैं, तो बाबा ने सभा में कहा, देखो मैं बारात लेके गया था, लेके आया हूं। तो इस तरह से मतलब दिल्ली में रहा, चलते रहे। फिर बाबा ने कहा, अभी तो नई नई आई है, इसको तो कुछ ABCD पता नहीं है, तो ऐसी जगह जाए जो कुछ ट्रेनिंग मिले सेंटरों की, कैसे रहना है। तो दीदी ने कहा, बाबा अमृतसर भेज दीजिए, चंद्रमणि दादी कुमारियों को अच्छा ट्रेंड करती हैं। तो अमृतसर भेज दिया गया मुझे। जो अमृतसर चले गए, तो वहाँ पे दादी ने कुमारियों को ट्रेनिंग देती थी, हर प्रकार की क्लास कराने की, योग कराने की, उठने बैठने, माना जो भी एक सभ्यता सब सिखाती थी। अच्छा था क्या कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई ड्यूटी नहीं थी, नए नए थे, तो वहाँ जो भी सेंटर्स थे पंजाब में, किसी बहन को ज़रूरत पड़ती थी और चंदमणि दादी से मांगनी करती थी, तो दादी कहती थी, इसको ले लो विद्या को, भेज दें 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, तो जैसे नहीं कि स्टफनी लगा दो। तो कभी जलंधर से डिमांड आई, कभी जो है बटाला से आई, कभी अम्बाला से आई, जहाँ जहाँ से दादी सी मांगनी हुई, तो बीच बीच में हर महीना 10-15 दिन के लिए उस सेंटर पे मुझे भेज दिया जाता था। और वो सब देख करके उससे हमें अच्छी तरह अनुभव भी हो गया, 8 सेंटरों की दिनचर्या देख के, कारोबार देख करके, सब देख लिया। और उसमें क्या था कि हमारी हिंदी भाषा थी, वहाँ की बहनों की पंजाबी भाषा थी, तो कहीं कोई प्रोग्राम होता था, लेक्चर होता था, तो हमको मैगजीन देते थे, तुमको इस टॉपिक पे भाषण करना है, तो हमें और खुशी होती थी कि अब हम भाषण करने लग गए। तो बहुत अच्छे से मना, हमको सब जगह स्नेह मिला और सम्मान मिला, थोड़े दिन के लिए गए हैं, प्यार मिला, कोई डांटने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, लेकिन हम अपने आप में बिल्कुल एक्यूरेट थे, सवेरे से लेके जो काम करना बिना कहे सब करते थे।